लाडनू विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार अब अंतिम दौर पर है। लाडनू क्षेत्र में कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस बार बसपा ने भी लाडनू में ताल ठोकी है। ऐसे में वो भाजपा और कांग्रेस दोनों के समीकरण को बिगाड़ रहे हैं। बसपा प्रत्याशी नियाज खान मुस्लिम समुदाय के अलावा हर समाज और जाति में पकड़ रखने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। लडानू में गैंग रेप की घटना के बाद बसपा प्रत्याशी खान ने राज्यसभा सांसद राम गौतम के आतिथ्य में होने वाली जनसभा को भी स्थगित कर दिया। ऐसे में इसकी चर्चा भी जोरों पर है, जबकि अन्य पार्टियों ने अपनी बैठकें जारी रखी। वहीं इसके बाद बुधवार रात्रि को नियाज खान ने शहरियाबास में जनसभा की, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद सलीम अंसारी और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबा भगवान दास ने भाग लिया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। जनसभा से पहले बसपा प्रत्याशी नियाज खान रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों का काफिला साथ रहा। हमें मन में हुआ, सांसद साहब ने उसी समय में कह दिया था कि इतनी दुख की घड़ी में जब पूरा बाजार बंद हो रहा है, सब लोग इसमें परिवार के साथ खड़े हैं, हम सब लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। आज शाम तक की सारी जितने भी मीटिंगें थी, सारी सांसद जी के आदेश के बाद हमने सब कैंसिल कर दी, रद्द कर दी, और बच्चे के इंसाफ के लिए हम सब लोग एकजुट होकर इस इंसाफ की लड़ाई में हम सब लोग शामिल रहे।